At, at present you need to solve maximum number of mock tests that is full length mocks. As well as sectional marks. Okay, in that way only you can boost your preparation as well as you can increase your marks in the examination. And uh, if you want to uh, compare yourself with other aspirants, you have to join live practice session of Ollie board In that way, you can compare yourself with other serious aspirants also. Okay, so if you want to join this course, do enroll this SSC CHSL Crash Course 2021 right now. हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑली बोर्ड मैरोहित वर्मा आप सबका जीएस और हिंदी मेंटर तहे दिल से स्वागत अभिनंदन दोस्तों फ़टाफट आ जाइए क्लास स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपको पता है दोस्त मैं आपको यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर और जो भी सिलेबस है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं हम लेकर चल रहे हैं है ना कृति राज हेलो डी का स्वागत है अभिनंदन है दोस्त तहे दिल से स्वागत है फटाफट लिंक को कॉपी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तेजी के साथ बगैर लेट किए हुए तेजी के साथ लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जरा मैं देख लूं क्या आलम है मैं भी तो देख लूं क्या आलम चल रहा है अच्छा जी गायब हैं सब लोग चलो फटाफट आ जाइए फटाफट तेजी के साथ लिंक को कॉपी कर देखो कुछ लोग आ... आने से पहले कुछ लोग डिसलाइक कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं भगवान सबका भला करे है ना मतलब क्लास देखी भी नहीं वो पहले ही मार यार कैसे पढ़ना चाहोगे आप लोग चलो कोई दिक्कत नहीं हम देखते हैं क्लास आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं जितने लोग आ चुके हैं सर क्रैश कोर्स करने करना सही थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगा संचित शर्मा स्वागत है आपका अभिनंदन दोस्त मीना कुमारी अभिनंदन का स्वागत तहे दिल से स्वागत है आप सबका क्रैश कोर्स मीना कुमारी गुड इवनिंग का बेटा गुड इवनिंग क्रैश कोर्स करने से हाँ हेलो जिया हेलो 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 दिलीप कुमार यादव हेलो गुड इवनिंग का गुड इवनिंग बेटा ठीक है ना क्रैश कोर्स करने से देखिए मैं आपको अपनी क्लास की बात बता दूं है ना मैथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ और हिंदी जीएस और हिंदी मैं दोस्त आपको बता दूं जीएस और हिंदी में जो मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में आप पाँच से छः डेली क्लास होती है मैं इस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ों को भर दूंगा कि एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे है ना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बिल्डअप होगा पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा तब भी बहुत कुछ समझ में आएगा ग्रेजुएट तो हो ना आप लोग बस ठीक है ना चलिए हाँ दिल्ली में लॉकडाउन हो गया हो लग गया है तो वहां का पेपर कैंसिल होगा हाँ बिल्कुल पेपर कैंसिल हो सकता है बिल्कुल है ना चलो चलिए शुरू कर लेते हैं ना वरना हम आपसे बात ही करते रहेंगे और कुछ लोग आके निकल जाएंगे अब जिनको निकलना है वो तो निकलेंगे निकलेंगे, निकलेंगे उनको कहाँ रोक लेंगे हम है ना हाँ, चलो फटाफट तेजी साथ नितेश जायसवाल मूल विधि सब कुछ पढ़ा रहे हैं बेटा सब कुछ पढ़ा रहे हैं है ना एक दिन आ आओगे बाकी नहीं आओगे क्या दिक्कत होगी अगर आप आप पहली बार आए हो जो लोग भी पहली बार आए हैं वो कांस्टेंट मोड में जुड़े और प्लेलिस्ट में जाएं देखें यूपीएसआई क्रैश कोर्स जो दिया हुआ है उसमें जितनी भी प्ले वीडियोज पड़ी हुई है मेरी क्लास देखना एक बार अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया है मैंने ठीक है ना फ्री में भी दो दम फाड़ा है एकदम दम भर के बाकी समझ तभी आएगा जब वीडियोज देखोगे अब कुछ लोग तो हैं उनको अब क्या कर सकते हैं? उनका हम है ना वो तो बहुत स्मार्ट भी हैं भगवान भला करे चलो तो शुरू कर ले कहानी बगैर कुछ लेट किए हुए बगैर कुछ लेट किए हुए मेरे दोस्तों तेजी के साथ अपनी कहानी को शुरू हैं हम तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अरे कट ऑफ पहले पूछ लो अरिजीत सिंह सब तो है ना पहले पेपर ना होने दो एक का आज शुरू कर लेते हैं कहानी मार्कर कहाँ चला जाता है मेरा मार्कर अक्सर स्टार्टिंग में खो जाता है एक्चुअली आप लोग भी खोए हुए हो ना टाइम पे आते नहीं हो तो गायब रहते हो चलो हम शुरू कर लेते हैं अपनी कहानी तो कल अगर हम बात कर सकते हैं आज इंडियन हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी रहेगा ध्यान सुनिएगा है ना चलिए शुरू कर लेते हैं अगर कोई लेट किए हुए मेरा मेरे बारे में थोड़ा तो सा अगर किसी को जानना है तो जान सकते हैं ये मेरे बारे में लिखा हुआ है मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस क्लास एंड ऑल मैं क्या क्या सब्जेक्ट डील करता हूँ है ना क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किए आप देख सकते हैं क्लास ठीक है मीना कुमारी काहिर रो रही हो मीरा कुमारी क्या हुआ बेटा सर एस एस का प्रिपरेशन करवा दीजिए प्लीज़ हाँ बिल्कुल मीरा कुमारी है ना बिल्कुल बेटा एसएससी का एक रेगुलर बैच चलेगा 10 से 11 में चलेगा या टाइमिंग क्या होगी सुबह 10 से 11 में होगा या तो शाम में होगा मैं जल्दी बता दूंगा क्लास कहीं ना कहीं आपको एक रेगुलर क्लास चलेगी जिसमें हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कंप्लीट जीएस डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से बेहतरीन एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना अपने द्वारा डिजाइन किए गए क्वेश्चन क्लास उनका एक्सप्लेनेशन सब कुछ चलेगा उसी क्लास को देख लोगे ना तो काफी कुछ हो जाएगा आपका क्लास है ना नहीं, स्टेट में भी चलो और कंप्लीट जीएस पढ़ाता हूं मैं इकोनॉमिक्स को छोड़कर हिस्ट्री पॉलिटिक्स जोग्रफी और साइंस चलिए शुरू कर लेते हैं भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने आज, की, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फटाफट तेजी के साथ फटाफट तेजी के साथ तेजी के साथ रीड द क्वेश्चन एंड है ना गिव द आंसर टेक योर टाइम एंड गिव द आंसर देन आई विल एक्सप्लेन यू पहले आप आंसर दीजिए अगर आपको आंसर आ रहा है तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे केजी मसरू वाला और आज लोग गायब हैं कहां गायब हैं भगवान जाने चलो अच्छा एक और डिसलाइक आ गया कोई दिक्कत नहीं आपको जो अच्छा लगे वो करिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डिसलाइक करिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन दोस्त थोड़ा समय तो दीजिए है ना आते ही डिसलाइक ठोकने का मतलब जानते हो क्या हो आप हमारे सबसे बड़े चिंतक हो बेटा और आप अपने जीवन से परेशान हो चलो कोई दिक्कत नहीं तो सर्वोदय की अवधारणा के थे इसका राइट आंसर का आ रहा है आप में से कई लोगों का बहुत सही बहुत सही गुड इवनिंग सचिन सब लोग गायब हैं, सबको बुलाओ फटाफट क्लास है सब लोग आरती, गुड इवनिंग नितेश जायसवाल है ना फटाफट है ना तेजी का आंसर भी तो दो कमेंट बॉक्स में चलो इसका राइट आंसर का दोस्तों हम जानते हैं कुछ लोग बिनोआ भावे पे जा रहे होंगे है ना नो डाउट विनोवा भावे पे जाना भी लाजमी है मेरे दोस्तों क्यों क्योंकि सर्वोदय की कॉन्सेप्ट का, से काश अगर हम बात करें तो विनोवा विनोवा भावे भी काफी जुड़े थे खास इनका एक आंदोलन था लेकिन यहां पे राइट आंसर जो होगा वो क्लास क्या होगा महात्मा गांधी ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग के ऊपर है महात्मा गांधी का सपना था काश ठीक ना महात्मा गांधी का सपना था कि सर्व सर्व है ना हित को ध्यान रखते हुए काश कार्य किए जाए है ना इसीलिए इन्होंने कहा सर्व हित को ध्यान रखते, रखते हुए इनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो था वो ये था बेटा अगर जो रेगुलर उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा मैंने बताया भी था कि महात्मा गांधी का सपना था कि केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण ग्राम स्तर पर किया जाए ताकि है ना ग्राम क्योंकि असली देश असली भारत गांव में बसता है तो गांव के लोगों को अगर समृद्ध और सुदृढ़ बनाया जा सकेगा काश्त तो देश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा तो इसीलिए महात्मा गांधी ने केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण ग्रामीण स्तर पर करने के लिए कहा एक सपना देखा था ग्राम पंचायत का पंचायत राज पंचायती राज सिस्टम का और यही कॉन्सेप्ट बाद में कहा ना इंट्रोड्यूस इंटू, भी हुआ है और आज आप देख पा रहे हो कहा इस समय तो इलेक्शन चल भी रहे हैं यूपी में है ना ग्राम पंचायत के खैर माहौल वही चल रहा है तो महात्मा गांधी का सपना था सर्वोदय का सबका हित तो हो एक एक बंदे का हित तो हो कास्ट ठीक ना तो सबके हित को ध्यान रखते हुए काश ना जन हित में सारा कार्य किया जाए ये कॉन्सेप्ट प्रकाश कहने कहे सर्वोदय का और मैं आपको बता दूं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े बिनोवा भावे अपने एक आंदोलन को क्लास लेकर बढ़े थे आगे काश नाम था उसका भूदान आंदोलन का सुना होगा आप लोगों ने भूदान आंदोलन सुना तो है कि नहीं सुना है और नहीं सुना है तो सुन लो बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था किसने स्टार्ट किया था बिनोवा भावे साहब ने कहा है ना बिनोवा भावे साहब ने भूदान आंदोलन में कहा सर्वोदय के कास्ट कॉन्सेप्ट को ही आधार बनाया था सबके हित को ध्यान ध्या रखते हुए कहा आंदोलन स्टार्ट किया था बिनोवा भावे साहब ने इसलिए अगर क्वेश्चन ये पूछे बेटा कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन इन दोनों से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है तो आप हमेशा आंसर देंगे बिनुआ भावे काश अगर सर्वोदय और भूदान आंदोलन दोनों से रिलेटेड पूछे व्यक्ति कौन है तो बिनुआ भावे और सिर्फ सर्वोदय के कॉन्सेप्ट की बात काश करें तो सर्वोदय कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी की दिमाग के ऊपर से काश और इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के बहुत लोगों ने यूज किया जैसे बिनोवा भावे ने बहुत ज्यादा यूज किया अपने इस आंदोलन में काश क्या है सर्वोदय का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सबका उदय सबका विकास नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों फटाफट -फड़, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अरे हिस्ट्री का क्वेश्चन है हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे पॉलिटी कहां से आ गई चलो कोई दिक्कत नहीं फटाफट -फड़ आंसर दो हाँ, दिलीप कुमार यादव आर्टिकल बेटा है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे अब लोग पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया अब आ ही गया है तो कर ही लो और इससे रिलेटेड कई चीजें बताऊंगा मैं आपको ध्यान से सुनना अपनी स्मार्टनेस बेटा अपनी पॉकेट में रखना का जितने लोग भी बहुत स्मार्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी से भी पढ़ने जाएं मोड में पढ़ें, देखो तीन डिसलाइक क्या बात है और और है ना बहुत उमदा बहुत उमदा भगवान आप सबका भला करे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तेजी के आंसर हाँ बिल्कुल सही बेटा अभिजीत सिंह दिलीप आरती गौतम कौशिक नीतीश जायसवाल है ना सचिन दिलीप कुमार यादव फटाफट बिल्कुल सही इसका राइट आंसर और जो लोग बहुत स्मार्ट अपने आप को समझ रहे हैं दोस्त वो अक्सर धक्का खाते हैं अक्सर वो गिरते हैं कहीं ना कहीं चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हूं ठीक है ना ध्यान रखना बेटा इस चीज को हमेशा चलिए तो इसका राइट right आंसर क्या है जीवी मावलंकर class. बिल्कुल सही पूरा पूरा नाम नाम है नाम है गणेश वासुदेवन मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे अब यहीं पे मैं सुन लो कुछ बातें फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर फटाफट स्टार्ट दंसर इन कॉमेंट बॉक्स फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के पहले उप सभापति का बताइए का फटाफट या डेप्यूटी स्पीकर बोल सकते हो इंग्लिश में उपाध्यक्ष बोल सकते हो हिंदी में ठीक है फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर फटाफट तेजी से आंसर फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर चलो कोई दिक्कत नहीं मैं आंसर देते दे हुए दे चलता हूं बहुत लेट में आंसर आपका रिप्लाई आ रहा है चलो तो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर की बात कास्ट करें बेटा तो इसका राइट right आंसर लिख लो है एम एम ए यंगर ए डबल वाई ए एन जी ए आर एम फर्स्ट का स्पीकर फर्स्ट स्पीकर है ना ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर दास फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर एम एयर दास ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल सी बात है है ना मावल, मावलंकर अयंगर मावलंकर अयंगर मावलंकर अयंगर आई बात समझ में आपको पकड़ पा रहे हो आप मुझे नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं बेटा है ना लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर क्लास मतलब अभी तक जितने जिन्होंने कहा सबसे ज्यादा है ना स्पीकर के पोस्ट पर का सनर, मतलब सबसे लंबे समय तक जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर क्लास फटाफट तेईस आंसर सबसे लंबे समय तक जो लोकसभा के स्पीकर रहे हैं उनका नाम ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर और एक और चीज बता देना क्या आप लोग हमें जाते जाते यहां पे इस क्वेश्चन को ओवर करते करते मैं आपसे एक और पीछे पूछना चाहूंगा फर्स्ट स्पीकर फर्स्ट स्पीकर है ना फर्स्ट स्पीकर हु डाइज इन ऑफिस या फर्स्ट स्पीकर टू डाई इन ऑफिस आपको उस लोकसभा स्पीकर का नाम बताना है जिसकी मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान का ऑफिस में हो गई थी काश फटाफट तो फर्स्ट डेप्टी स्पीकर लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर फर्स्ट स्पीकर टू तो डाई इन ऑफिस ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं बाकी फर्स्ट स्पीकर तो बच्चों बच्चों को पता होता है काश नितेश जायसवाल मोरारजी देसाई भीम वर्मा सरपल्ली अच्छा जी <laughs> चलो कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही बेटा लोकसभा के रिगार्डिंग बात करें लोकसभा अध्यक्ष है ना जीवी मावलंकर तो बच्चों को गधों को पता है फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर एम अयंगर ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर लिख लो बेटा डॉक्टर बलराम झाकर डॉक्टर बलराम झाखर डॉक्टर बलराम झाखर क्लास जे ए के एच आर डॉक्टर बलराम झाकर और वो स्पीकर है ना जिनकी मृत्यु उनके ऑफिस में हो गई थी का हम बात करें फर्स्ट स्पीकर टू तो डाई इन ऑफिस उनका नाम है इन शॉर्ट लिखना जीएमसी बालयोगी जीएमसी बाल, जी बाल क्लास बस ये नाम और बाकी फर्स्ट वुमेन स्पीकर तो मीरा कुमारी है का सबको पता होगा का इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो ये चारों क्वेश्चन फर्स्ट डेप्टी स्पीकर है ना

ठीक ना मीरा कुमारी क्लास ठीक ना बाकी तीन नाम लिखे हैं और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा तो सबको पता है क्लास में दोस्तों जीवी मामलाकर 1952 में लोकसभा के अध्यक्ष बने क्योंकि आपको पता, बताया था मैंने कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी का बेटा सब कुछ बता चुका हूं जो रेगुलर है उनको काफी अच्छे से पता होगा बाकी लोकसभा किस आर्टिकल में है लोकसभा लोअर हाउस होता है लोकसभा के मेंबर्स अपॉइंट होने के लिए का कितनी एज होनी चाहिए काश पच्चीस साल का कंप्लीट होना चाहिए कहा सब कुछ बताया मेरे दोस्तों आप लोगों को क्लास ठीक है रेगुलर रहने का फायदा मिलेगा बाकी जो स्मार्ट है वो तो स्मार्ट है ये दोस्त आइए सर्वोदय भूदान आंदोलन से कौन संबंध है फटाफट तेजी सारा आंसर बच्चों वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप इससे पहले वाले प्रश्न में पा चुके हैं अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो ठीक है तेजी के साथ आंसर बेटा तेजी और जितने लोग नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक बने रहें और उसके बाद उनको अगर समझ में आए कि सर ने बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ सर से मिला है है ना और और भी आगे अच्छा मिल सकता है तो कांस्टेंट मोड में हो जाएं और बाकी सेशन को लाइक करना ना भूलें लास्ट में और ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा आपकी इच्छा है क्लास लाइक डिसलाइक करना आपकी इच्छा है सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा वो है ना चलिए नीतीश जायसवाल का आंसर आया गास का अभिजीत सिंह का आंसर आया दिलीप कुमार यादव का आंसर आया और कोई और कोई बेटा सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है क्या बात है है ना बिल्कुल सही बच्चों वाला क्वेश्चन इसमें तो अभी मैं अभी समझा के आया हूं बेटर का इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत ही नहीं सर्वोदय इस कॉन्सेप्ट का महात्मा गांधी के दिमाग की उपज है लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज किया अपने आंदोलन में का आचार्य विनोबा भावे साहब ने उस आंदोलन का नाम था भूदान आंदोलन कौन मुझे बताएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे साहब ने कहा से की थी प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर ठीक है ना चलिए बढ़ते आगे दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था क्या बात है बहुत प्यारा क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था कुतुबुद्दीन मिनास, बलवन तेजी के आंसर दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था हां अभिजीत सिंह बिल्कुल सही बेटा भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश का चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था पीके पाल ने आंसर दिया महाराष्ट्र बिल्कुल सही चलो सबका सही है और बाद में जो मैं बताऊंगा लास्ट में वो मेरा सही होगा ठीक है ना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र है ना चलो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था क्या बात है आरती गौतम सना अभिजीत आशीष शर्मा पी के पाल दास जितने भी सालनी सिंह अब जितने लोग भी हो बेटा यहाँ पर है ना जितने लोग हो जितने लोग नहीं हो जब वो लोग आए तो वो भी उनसे रिक्वेस्ट है वो सुने कि बेटा आया करिए तो कांस्टेंट मोड में नहीं तो गा जहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए कांस्टेंट मोड में मुझसे नहीं किसी से पढ़िए दुनिया पढ़ा रही है यूट्यूब पर बेटा ठीक दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था क्या? एबक, इसका राइट आंसर है? क्यों? सुनो बेटा। जिनको थोड़ा वो सुन लो बाकी नहीं तो कहा आंसर मिल चुका है थोड़ी कान बंद कर लें जिनको नहीं सुनना है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो ध्यान देंगे आंसर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो दिल्ली सल्तनत की बात करें बेटा का पढ़ोगे इसके बारे में तो इसको पढ़ोगे आप मिडिवल हिस्ट्री में मिडिल हिस्ट्री जब पढ़ोगे मध्यकालीन भारत के बारे में जब पढ़ोगे या मध्यकालीन इतिहास के बारे में जब पढ़ोगे मिडिल हिस्ट्री जिसका टाइम पीरियड मैं आपको बताऊं तो सेवन सेंचुरी एडी से लेके का सेवन सेंचुरी एडी से लेके बेटा सत्रह सौ सात तक तो ये है टाइम पीरियड मिडिल हिस्ट्री का इसी बीच में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में या मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर आप टोटल कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के बारे में पढ़ते हो होगा मुस्लिमों का भारत पे आक्रमण का पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें मोहम्मद गौरी मोहम्मद बिन कासिम बहुत सारे नाम आएंगे तो है ना हम पढ़ाते भी हैं डिटेल में का इसको फिर अगर हम बात करें करेंगे तो आगे पढ़ोगे मिडवल हिस्ट्री में ही आगे बढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का कॉन्सेप्ट का क्या दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तानित आप लोगों का नाम ना ले पाऊँ माफी चाहूँगा क्योंकि अब मैं आप लोगों की स्ट्रेंथ और आप लोगों के उस पर ध्यान नहीं दूंगा ठीक है ना एक एक बार बीच बीच में कमेंट देख लिया करूंगा आप लोगों ने क्या आंसर दिया है बाकी कि जब बीस ट्रंथ पे दिमाग जाता है ना काज दिमाग सेंट हो जाता है यार दोस्त कि एक महीने से दम लगा रहा हूं और फिर भी आप लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं है काज सपोर्ट करने का जज्बा आपके अंदर अब कुछ तो ऐसे गधे हैं है ना अदरवाइज मत लेना फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ लोग ऐसे गधे हैं कितना समझाओ उनसे कि बेटा कहीं भी पढ़ो कांस्टेंट मोड में पढ़ो हमसे पढ़ो या दुनिया पढ़ा दे यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ो कांस्टेंट मोड में पढ़ो लेकिन उनको समझ नहीं आएगा गिर जाएंगे बाद में तब समझ में आएगा तो दिल्ली सल्तनत की बात कास्ट करें बेटा इसका टाइम पीरियड का है तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है बेटा बारह सौ छह ईस्वी से ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्स एडी से लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो 1526 सो एडी तक ये रहा है टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का कई बार ये टाइम पीरियड पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का कब से कब तक 1206 से लेकर 1526 तक 1206 वो ईयर था जिस ईयर मोहम्मद गौरी की डेथ हुई और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद का इंडिया में स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत का कॉन्सेप्ट और दिल्ली सल्तनत का कब खत्म हुआ पंद्रह में आपको बता दूं मैं एक युद्ध हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ मानीपत के नाम से जिसको इतिहास में जानते हैं है ना बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच था जिसमें इब्राहिम लोधी को बाबा ने जान से मार दिया और दिल्ली सल्तनत वहीं पर खत्म कर दिया और वहीं से स्टार्ट किया उन्होंने मुगल एंपायर मुगल डायनेस्टी या मुगल, मुगल वंश का कॉन्सेप्ट आज पंद्रह सौ छब्बीस में दिल्ली सल्तनत खत्म और स्टार्ट हुआ मुगल डायनेस्टी का आज ठीक है किसके द्वारा बाबर के द्वारा कई बार पूछा गया है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी तो पंद्रह में हुई थी किसने की थी बाबर ने कहा किस युद्ध के बाद बाबर ने इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो चार युद्धों के नाम दिए होंगे उसमें से एक युद्ध कौन सा होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पानीपत एक जगह पड़ती है हरियाणा में जहां पर यह युद्ध हुआ था इसलिए उस जगह के नाम पर इस युद्ध का नाम पड़ा बैटल ऑफ पानीपत आगे चल के और युद्ध हुए इसी जगह पे इसलिए इसको बोल दिया बोल दिया गया फर्स्ट आगे जो हुए उसको सेकंड बोला गया और आगे जो हुआ उसको थर्ड बोला गया इस तरीके से का युद्धों के नाम और उनकी नंबरिंग इतिहास में हुआ करती थी बेटा ठीक है ना क्लियर तो किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी फर्स्ट बेटल ऑफ पानीपत के बाद कब हुआ था ऑफ पानीपत में से बीच हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच कौन जीता कौन हरा, तो आपको बताया मैंने कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को इस युद्ध में जान से मार दिया गया तो मतलब इब्राहिम लोधी हार गए थे और बाबर जीत गया था यह इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि फर्स्ट बेटल ऑफ पानीपत में बाबर ने निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था ऑप्शन में चार शासकों का नाम उनमें से एक नाम किसका होगा इब्राहिम लोधी का इब्राहिम लोदी पे ही दिल्ली सल्तनत खत्म है तो दिल्ली सत्र का आखिरी सुल्तान कौन इब्राहिम लोदी दिल्ली सत्र की शुरुआत होती है 1206 में कुतुबुद्दीन के द्वारा इसलिए दिल्ली सत्र का पहला सुल्तान कौन कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन है ना इब्राहिम लोदी दोनों क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है ना अगर तो अगर सेवियर कास कौन तो अगर उसकी बात कास कौन, तो उसमें आंसर आता है कास किसका इल्तुत्मिस का ठीक है ना इलतुतमिज क्योंकि इसी समय में इसी के समय में मंगोल अटैक हुआ था इंडिया पे मंगोल अटैक हुआ था वो मंगोल अटैक से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने वाला इलतुतमिस ही था बायहु और क्रुग जैसे भी इसने मंगोल अटैक से दिल्ली सल्तनत को समय बचाया इसीलिए दिल्ली सल्तनत का उद्धारक भी कहलाता है और दिल्ली सल्तनत के रियल सुल्तान वास्तविक सुल्तान भी कहलाते हैं इल्तुतमिश उसके पीछे भी रीजन है क्लास लेकिन इतना बस काफी है इतना एक्सप्लेनेशन वरना कई लोग अभी फट जाएंगे क्लास है ना उनको रास नहीं आता इतना चीज़ें का इतना इतना एक्सप्लानशन बस दो चार एक दो चीज़ बता दो और आगे बढ़ जाओ टिक करके काश फटाफट वो भी तेजी से बता दो और बढ़ जाओगे जैसे दुनिया कर रही है है ना भले उनके दिमाग में बाद में कुछ ना बैठेगा है ना लेकिन तेजी से बता दो और आगे बढ़ जाओ और इसी में और जहां ऐसा होता है वहीं पर गिरते भी हो आप जाके काश भले बाद में क्लास खत्म होने के बाद में एक चीज़ आपको ना आ रही हो लेकिन ऐसी जगह पे गिरते हो जाके आप लोग बुरा मत मानना दोस्त चलो तो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे ठीक है ना हाँ बिल्कुल रोहित दिवाकर स्वागत है आपका अभिनंदन जितने लोग नए आए हैं तहे दिल से स्वागत है उनका अभिनंदन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था फटाफट फड़ तेरी सारा आंसर अब मैं अब टाइम नहीं लगाऊंगा सुनिए फटाफट फड़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था अगर मैं इसका आंसर दूं तो इसका राइट आंसर क्या है जॉर्ज यूले जॉर्ज यूले ये है आपके फर्स्ट ब्रिटिश चेयरमैन ऑफ आई

ऑफिसर था लेकिन रिटायर्ड हो चुके थे तो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ने 28 दिसंबर अठारह तो में मुंबई में है ना एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसकी अध्यक्ष इस समय कौन है राहुल गांधी जी है ना तो 28 दिसंबर अठारह की बात करें जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो यह भी डिसाइड हुआ कि हर साल कांग्रेस की गेट टुगेदर मीटिंग होगी जिसको इतिहास में हम अधिवेशन या सेशन के रूप में जानते हैं हिंदी में अधिवेशन बोलो इंग्लिश में सेशन बोलो या मीटिंग बोल लो तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस सेम ईयर उस ईयर भी कांग्रेस की मीटिंग हुई का मतलब कांग्रेस की पहली मीटिंग रही होगी बिल्कुल स्थापना के ईयर ही जो मीटिंग हुई होगी वो फर्स्ट मीटिंग तो कांग्रेस की पहली मीटिंग जो हुई क्लास बेटा क्लास बेटा वो कहा हुई थी सेम प्लेस पे जहां पे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई क्लास कहां पे मुंबई में है ना मुंबई में अगर हम बात करें टैंक है ग्वाल एक जगह है ग्वालियर टैंक क्लास ग्वालिया टैंक मैदान है है ना उसके पास में एक स्कूल है, है एक यूनिवर्सिटी है एक महाविद्यालय है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ठीक है ना और ग्वालियर में बड़ा फेमस नाम है बहुत ही है टैंक अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो मुंबई में, में तो तो अध्यक्षता कोई ना कोई, कोई क्लास करेगा ठीक है ना हाँ पीके पाल सर ने खलीफा की परमिशन ली थी इसलिए ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं बिल्कुल पीके पाल बेटा है ना जब डिटेल में थ्योरी पढ़ाते हैं बहुत कुछ पढ़ाते हैं हम खास बहुत कुछ बताते हैं काश लेकिन अभी जितना बोल रहा हूँ क्वेश्चन में एमसीक्यू में उतना सुनिए ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत जो पहली बार भी आए हूँ उनके दिमाग में भी थोड़ा बहुत फ्रेम बनता रहे है ना और धीरे धीरे काश ना वो भी आगे बढ़ जाएंगे जो पहली बार भी यहाँ क्लास देख रहे होंगे पहली बार भी पढ़ रहे होंगे काश कुछ ना कुछ हिस्ट्री से पहली बार भी फैमिलियर हो रहे होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार बस कॉन्स्टेंट रहिए रिक्वेस्ट ये है बाकी आपकी इच्छा है है ना तो फर्स्ट मीटिंग के अध्यक्ष जो थे का नाम था उनका डब्ल्यूसी बैनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ठीक है ना और इस अधिवेशन में इस मीटिंग में टोटल बहत्तर सेवेंटी टू एग्जीक्यूटिव बहत्तर प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे मीटिंग में का ठीक है ना तो कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे तो क्या बताओगे डब्ल्यूसी बैनर्जी का कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी एम साहब ने और जिस वर्ष कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई मैं आपको बता दूं इस समय इंडिया में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय इंडिया में अंग्रेजों ने एक पोस्ट बना रखी थी है ना उस पोस्ट का नाम था वाइसराय। तो जब आईएनसी पार्टी की स्थापना हुई इस समय इंडिया में वाइसराय क्लास कौन थे इस समय इंडिया में जो वाइसराय थे बेटा नाम था उनका लॉर्ड डफरिन क्लास क्या नाम था लॉर्ड डफरिन डी यू डब्ल एफ आर आई एन लॉर्ड डफरिन क्लास सारे क्वेश्चन पूछे गए आपसे और मैं आपको बता दूं उसके बाद है ना उसके बाद हर साल एवरी ईयर कांग्रेस की गेट टूगेदर मीटिंग होती रही है जिसके अध्यक्ष कोई ना कोई अपॉइंट होते रहे हैं क्लास कहीं ना कहीं है कही कही। ना बीच में कुछ कुछ एक, एक कुछ दो तीन साल हैं जो मीटिंग नहीं हुई है लेकिन उस समय भी अध्यक्ष कोई ना कोई, ने कोई बना, बना रहा है जब डिटेल में पढ़ोगे सारे रिवेशन मैं भी पढ़ाता हूँ इसको क्लास ना कहीं ना कहीं तो आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा क्लास हाँ एक्स सिविल सर्वेंट था इटावा में पोस्ट थे पर, परस्मिथा मेदी परिसमिता परिस्मिता परिस्मिता नाइस नेम ठीक है ना नाइस नेम अभी ज्वाइन सर हुआ हूँ सर कोई दिक्कत नहीं स्वागत है आपका परिस्मिता अभिनंदन है आपका हमारी क्लास में तहे दिल से स्वागत है जितने लोग भी नए आए हैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने और दोस्तों को बताएं डेली पाँच से छः क्लास होती है यूपीएसआई के लिए धुआंधार तरीके से पढ़ाता हूं पूरे सिलेबस को ध्यान रखते हुए क्लास भले वहां से क्वेश्चन आए ना आए लेकिन आपको पढ़ाना है मुझे हर चीज़ ठीक है

फोर्थ सेशन कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जो अपॉइंट हुए थे वो कौन थे एक ब्रिटिश थे गाज ठीक ना तो अठारह आथास में पहली बार कांग्रेस का कोई अंग्रेज अध्यक्ष अपॉइंट हुआ और उस समय कांग्रेस की मीटिंग एक गेट टुगेदर का कहाँ हो रही थी मैं आपको बताऊ बेटा तो इलाहाबाद में कहाँ हो रही थी बेटा इलाहाबाद में क्लास ठीक ना ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे कांग्रेस की पहली मीटिंग क्लास कहां हुई कांग्रेस के कि वो मीटिंग कब हुई वो मीटिंग कहां हुई जहां पे पहली बार कोई कौ... पहली बार कोई ब्रिटिश चेयरमैन मतलब ब्रिटिश प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ तो कहां हुई थी वो मीटिंग इलाहाबाद में कब हुई थी अठारह अटास अठासी में का कितने नंबर का सेशन था ये भी पूछ लेता है है ना फोर्थ सेशन था चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का अठारह अटास में जब पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कोई ब्रिटिश अपॉइंट हुए का ठीक ना कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये सब आगे आएगा कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष ये सब कुछ आएगा बताऊंगा तो अभी फिलहाल सुन लो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है ना तो श्रीमती एनी बेसन साहिबा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू साहिबा कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी गाज बाकी इनका ईयर हम आगे, आगे और पढ़ाएंगे काश परेशान मत हुई अभी के लिए इतना काफी है गाज बढ़ते हैं आगे अभिजीत आई एम फॉर टिकावा अच्छा टिकावा फ्रॉम असम परिस्मिता, आप असम से हैं स्वागत है आपका अभिनंदन दोस्त असम से आप अपना प्यार भेज रही हैं। रहे हैं है ना अभिनंदन दोस्त यार रहे हैं चलिए

परिष्मिता, रोहन बहुत अच्छा बहुत उमदा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिरा गिराया गया था अगर बेटा बात की जाए तो सुनिएगा बहुत ध्यान से इसका राइट आंसर जो है वो है हिरोशिमा एंड नागासाकी पहले हिरोशिमा पे बम गिराया गया था फिर नागासाकी पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये अब किसकी बात कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दरा, है ना सेकेंड वर्ल्ड वार और आपको बता दूं मेरे दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार की बात की जाए तो नाइनटीन से लेके नाइनटीन ये है सेकेंड वर्ल्ड वार का डेटा है ना आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 से लेके 1914 से लेके क्लास बताइए 1918 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डाटा है क्लास मोटा-मोटा ठीक है ना और 1939 से लेके 1945 ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का डाटा है और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही कास क्या हुआ है ना जापान के दो शहरों पर अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए थे क्लास अब वो डेट बताऊं बेटा मैं तो एक पहली डेट थी क्लास 6 ऑफ 6 अगस्त छे अगस्त उन्नीस की बात कर रहा हूं बेटा छह अगस्त उन्नीस की बात कर रहा हूं ये वो दिन था ये वो मंथ ये वो ईयर जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया ठीक ना हिरोशिमा शहर पर बम गिराया और आपको पता है है ना जो एटम बम गैस परमाणु बम गिराए गए इनका असर आज भी जापान के इन शहरों में दिखाई देता है आज भी वहां पे कहीं लोग कहीं ना कहीं कही, विकलांग कहीं कहीं शारीरिक रूप, रूप से कहीं ना कहीं फिजिकली डिसेबल का जन्म लेते हैं काज कहीं कही। ये आलम आज भी वहां पर है ठीक ना तो हिरोसिमा आज भी झेल रहा है अमेरिका की काश वो दर्दनाक वो चीज का जो एटम बम गिराया गया था जापान के ऊपर आज भी जापान इसको सफर कर रहा है तो छह अगस्त उन्नीस सौ पैंतालीस को हिरोशिमा पर जो गिराया गया, इसका नाम भी नाम था, लिटिल इसके बाद, तीन दिन बाद तीन दिन बाद मतलब नाइन्थ अगस्त नौ अगस्त उन्नीस सौ पैंतालीस को फिर जापान के एक शहर पे बम गिराया गया है ना मन नहीं भरा अमेरिका का फिर ठूं दिया एक और एटम बम था पे है ना आज भी झेल रहा है बेचारा का जापान इस चीज को है ना तो नागा साकी पे बम गिराया और इस जब 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया है ना ये डिजास्टर जो था ये इस हिरोशिमा से ज्यादा खतरनाक था काज इसीलिए इसको फैट मैन का नाम दिया गया फैट मैन ठीक है ना तो लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 फैट मैन 9 अगस्त 1945 सौ तो ये दो डेट ध्यान रखना है डेट भी पूछता है लिटिल बॉय फैट मैन भी पूछता है का ध्यान बिल्कुल, बिल्कुल पी के पाल बिल्कुल सालनी है ना स्मिता का बिल्कुल सही बेटा क्या आपने मैसेज डिलीट कर दिया कुछ करके चलिए कोई दिक्कत नहीं तो ये थी बातें काश जो आपको ध्यान रखनी तो फर्स्ट वार का डेटा सेकेंड वार का डेटा भी ध्यान रखो फिलहाल है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार उन्नीस से लेकर उन्नीस सौ अठारह सेकेंड वर्ल्ड वार उन्नीस सौ उनताइस लेकिन उन्नीस सौ पैंतालीस का और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही अगर मैं आपको बताऊं 1915 ये डेटा आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में नहीं पढ़ा सुन लो ये वो ईयर था अगर मैं डेट लिख दूं तो 9 अगस्त क्लास ठीक है ना 9 अगस्त 1915 की बात कर रहा हूं ये वो दिन था ये वो मंथ था ये वो ईयर था है ना जब महात्मा गांधी आए थे सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उसी दौरान महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से इंडिया बुलाया गया था कि अब आ जाओ अब इंडिया को आपकी जरूरत है तो 9 अगस्त को महात्मा मा, गांधी 1915 में इंडिया आए थे इसलिए आज भी 9 अगस्त को हम भारत में सॉरी नौ जनवरी 9 जनवरी एक्सट्री सॉरी वो अगस्त अगस्त चल रहा था ना ये सीमा और नागा इसलिए यहां पे अगस्त लिख दिया जनवरी 9 जनवरी उन्नीस सौ पंद्रह है ना इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान का इसलिए आज भी 9 जनवरी को हम भारत में एनआरआई डे नॉन रेजिडेंट इंडियन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट तेईस साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीनी इलाही एक नया धर्म है जहां उतना जितना एक्सप्लेन कर दिया वहां पे उतना काफी है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट आइए बेटा फटाफट दीन इलाही एक नया धर्म है निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था बहुत प्यारा क्वेश्चन दास और ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन रिपीट होता है आज स्टेन बड़ी कम है चलो कोई दिक्कत नहीं कभी कम कभी ज्यादा है ना लेकिन आप लोग डेली ही कम रहते हो ज्यादा जा, तो कभी कभी हो जाते हो है ना मैक्सिमम टाइम तो, तो कम रहते हो आप कोई नहीं फटाफट दीने लाही क्या बात है बिल्कुल सही आंसर जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर अकबर वो बिल्कुल सही अब यहाँ पे आपनेशन लाही मेरे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ ये कोई धर्म नहीं था जिसको धर्म बोल दिया गया धर्म नहीं एक पॉलिसी थी एक नीति थी सुनना एक नीति थी का ताकि है ना शासन को एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रेगुलेट किया जा सके है ना बिल्कुल स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट हो इसके लिए कहा ना अकबर ने सभी धर्मों के बीच जो डिस्प्यूट चल रहे थे उस समय जो धर्म को लेके ऊंच नीच चल रहा था इस्लाम टॉप पे था बाकी सारे धर्म बॉटम में था थे ये सब है ना इन सबको इक्विवेलेंट करने के लिए सभी धर्मों को सेम प्लेन पिलाने के लिए कहा कहीं ना कहीं किसी के बीच ऊंच नीच ना हो कहा ऐसा कुछ किया जाए इसके लिए अकबर ने सभी धर्मों के पीक प्रिंसिपल्स को उठाया हर धर्म के उच्च सिद्धांतों को उठाया मर्ज करके कॉमन पॉलिसी चला दी कॉमन धर्म बना दिया जिसका नाम रखा दीन इलाही इलाही में ध्यान दो इलाही में ईश्वर और अल्लाह दोनों हैं है ना तो ईश्वर और अल्लाह को मर्ज कर दिया और दीन मतलब क्या सबकी भलाई दीन का मतलब सबकी भलाई तो ईश्वर और अल्लाह मतलब सभी धर्मों को मर्ज करके कॉमन धर्म चला दिया और कहा के बाद कोई सब लोग इसी धर्म को फॉलो करेंगे और जब सब लोग इसी धर्म को फॉलो करेंगे तो सब कहाँ आ गए सेम प्लेन पे आ गए और अकबर ने जब ये काम शुरू किया तो है ना मुस्लिमों ने इनका काफी अपोज किया इनके अपने लोगों लोग इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए उन्होंने कहा कि आप तो इस्लाम के विरोध विरुद्ध कार्य कर रहे हो ये ये कर रहे हो वो कर रहे हो है ना अरे इस्लाम में कहा लिखा कि कोई और धर्म इनके बराबर नहीं बैठ सकता कहीं लिखा है क्या ऐसा है ना लेकिन नहीं वही है टेंडेंसी ह्यूमन टेंडेंसी का कहाँ बदल सकते हो उसको तो इस्लाम है ना के विरोधी हैं अकबर ऐसा स्टेटमेंट भी उस समय आया था अकबर के लिए ये अब्दुल कादिर बदायूनी ना, उस समय बहुत पहुंचे हुए एक इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे है ना उन्होंने इस्ला, इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था अकबर के खिलाफ कि आप इस्लाम के विरोधी हो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार ठीक ना तो दीन इलाही की अगर हम बात काज करें इसकी शुरुआत का अकबर ने काज कब की थी तो ये डेटा भी बहुत बार पूछा गया पंद्रह में का ध्यान रखना ना फिफ्टीन एटी टू ए का अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था काश ठीक है ना बेटा ध्यान रखना सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बाकी अकबर के रिगार्डिंग बहुत कुछ है बेटा अकबर का गुजरात अभियान जो पंद्रह सौ तिहत्तर में कास्ट किया है इन्होंने है ना वो काफी फेमस है गुजरात जीतने के बाद में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया काश ये भी बड़ा बड़ा फेमस है काश इनका ये कार्य है ना बुलंद दरवाजे की स्थापना अकबर ने कहा करवाई थी फतेहपुर सीकरी शहर जिसकी स्थापना अकबर ने स्वयं कास्ट की थी फतेहपुर सीकरी शहर जिसकी स्थापना भी अकबर ने स्वयं कास की थी गास उसी शहर में एंट्रेंस करने के लिए इन्होंने एक दरवाजा एक डोर बनवाया जिसका नाम था बुलंद डोर और बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर अकबर ने 1573 में गुजरात जीतने के बाद किया था गुजरात जीतने की उपलब्धि में गुजरात जीतने की खुशी में ही अकबर ने बुलंद डोर का निर्माण कार्य करवाया था और फतेहपुर सीकरी शहर के अंदर ही कास अकबर ने इबादत खाना सभी धर्मों पे चर्चा करने का एक स्थान था ना ये बनवाया था अकबर ने का इबादत खाने भी अकबर ने करवाया अकबर ने टैक्स खत्म किया है ना जो कि उस समय कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम्स पे ही लगा हुआ था मुस्लिमों पे नहीं तो अकबर ने सारे काम क्यों किए टू मेंटेन द इक्वलिटी बिटवीन ऑल रिलीजन सभी धर्मों के प्रति बीच समानता लाने के लिए है ना टैक्स तीर्थ कर हटाया का ठीक ना पंद्रह में बेटा पंद्रह में अगर मैं आपको बताऊं तो जिजिया टैक्स हटाया था काश ध्यान से सुन लो ये दोनों डेटा बड़े इंपॉर्टेंट पंद्रह सौ चौसठ में या पंद्रह और पंद्रह सौ चौसठ दोनों यादको पंद्रह सौ और पंद्रह सौ में पंद्रह टैक्स तीर्थ का हटाया था अकबर ने और पंद्रह में जजिया टैक्स या जजिया टैक्स जो भी आप बोलते हो ठीक ना जजिया टैक्स जो कि इंडिया में लाने वाले कौन थे मोहम्मद बिन कासिम और इंडिया में सर्वप्रथम सिंध और मुल्तान के क्षेत्रों पर का ना लगाया गया था का टैक्स जो कि एक नॉन मुस्लिम टैक्स था ठीक ना तो इसको आगे चल के अकबर ने खत्म कर दिया दियासठ में है ना आपका टैक्स क्लास और चौसठ में जिजिया टैक्स क्लास दोनों चीजें ध्यान रखना पंद्रह सौ बयासी में तो आप देख पा रहे सारे कार्य अकबर ने इसीलिए अकबर को महान बताया गया क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों को है ना अनपढ़ होते हुए भी सभी धर्मों को सेम प्लेन पे लाने का भरकस प्रयास किया अकबर ने गास्ट तभी तो अकबर महान कहलाते हैं बाकी कुछ अच्छायां कुछ बुराईया इंसान में रहती रहती हैं हर इंसान सबके लिए अच्छा नहीं हर इंसान सबके लिए बुरा नहीं दोनों बातें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट फड़। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे बल, में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित से कौन सा है क्या बात है आई आई एम एम इन इन न्यू क्लास कोई दिक्कत नहीं शैल कुमार स्वागत है आपका आप नए हैं अभिनंदन है रिक्वेस्ट करूंगा अगर पढ़ना चाहते हैं वास्तव में तो कॉन्सर्ट मोड में रहिएगा बाकी आपकी इच्छा है मुझे कोई समस्या नहीं है आप आए हैं स्वागत है अभिनंदन है जुड़िए समझिए UPSI की डेली क्लास होती है पांच छः दम लगा के पढ़ाता हूँ क्लास है ना बाकी दुनिया तो पढ़ा ही रहे कैसे, क्या, कैसे, क्या, चलिए तो महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है बेटा क्या बात है आपको पता है महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ही हमेशा अपना आधार बनाया है ना ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस क्लास मतलब सत्य और अहिंसा ही महात्मा गांधी के दो सबसे बड़े औजार थे का ठीक ना और उसमें भी अगर हम बात का कास करें, है ना तो इन्होंने अब यहां पे सत्य की तो बात की नहीं गई अहिंसा की बात की गई है है ना तो इसका मतलब इन्हीं चारों में से कोई एक होगा अहिंसा को लेकर अब उसमें भी अहिंसा नॉन वायलेंस वो भी किसकी नॉन वायलेंस जो वीर हो जो बहुत ही बहादुर हो है ना उस वीर की अहिंसा सबसे शक्तिशाली बल होती है काश इस संसार में किसी भी कोई भी वीर हो जितना पोलाइट होगा ना बेटा आपने मूवी में देखा होगा कि कुछ लोग बहुत शांत होते हैं जब तक तो उनको कोई छेड़ता नहीं तब तक वो काश कहीं नहीं कहीं किसी से भिड़ते नहीं है भैया भैया करके बात करते रहते हैं और जब बहुत कोई छेड़ता है उनको बहुत छेड़ता है जब कोई उनको तब जाके कहीं कही ना कहीं एक पंच मारते हैं और उस दिन धराशाही समझ में आई बात आपको तो वीर की अहिंसा सबसे शक्तिशाली बल है जिस दिन उसकी वो जिस दिन उसने वारेन्स कर दिया ना क्लास तो ढेर हो जाएंगे सबके सब, सब। चलिए तो वीर की अहिंसा सबसे बड़ा शक्तिशाली बल ये महात्मा गांधी के अनुसार है क्लास इस संसार में और ये हकीकत भी है क्लास अबजीत सिंह से दरोगा बन जाएंगे हम क्या अरे यार अभी इसी अपने आप पे विश्वास नहीं बेटा यार गलत बात है बहुत गलत बात है अपने ऊपर विश्वास नहीं है ये तो सबसे गलत बात है अपने ऊपर तो पूरा विश्वास होना चाहिए आई एम द बेस्ट हमेशा इस चीज में विश्वास होना चाहिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं दोस्त हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ हैं हर इंसान अपने आप में समर्थ है कहीं कही ना कहीं कोई कमजोर नहीं है और जो दूसरों को कमजोर समझता है ना वो वो बहुत वो फिर वो अपने आप में बहुत बड़ा कमजोर है है ना जो दूसरों को कमजोर समझे इसे दूसरों को कमजोर मत समझो और अपने आप को तो बिल्कुल नहीं गाज चले निम्नलिखित का मिलान कीजिए मैच करना है आपको एक तरफ दिए गए हैं रिलीजियस मूवमेंट है ना धर्म सुधार के लिए जो आंदोलन हुए उनके लिए जो समय समय पर जो इंस्टीट्यूशन फॉर्म किए गए है ना उनके दूसरी तरफ दिए गए हैं लिस्ट में उनके संस्थापक उनके फाउंडर का नाम अब आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन बहुत पेट है बहुत ही पेट क्वेश्चन है का फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं का फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ... कैंसिल कर दिया है ना डी बन गए थे कैंसिल कर दिया दिव्या गुप्ता आई हैव अ डाउट बताओ दिव्या गुप्ता क्या डाउट है बेटा दिव्या गुप्ता अपना डाउट बताओ बेटा डाउट क्या है बेटा दिव्या अभिजीत क्या कैंसिल कर दिया बेटा डाउट आपका बेटा सी पे आशी शर्मा सी ऑप्शन पी के पाल सी ऑप्शन जिनका भी आ सही है, है ना? तो अगर मैं आपको बताऊ धर्म सुधार आंदोलन का और संस्थापक की बात का रिलीजियस मूवमेंट की बात का तो सुनना आर्य समाज की स्थापना सबको पता है मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं अठारह में आर्य समाज की स्थापना है ना आर्य समाज और ब्रह्म समाज इन दोनों की स्थापना का डेटा बहुत बार पूछा गया है कि कब इन दोनों की स्थापना हुई आर्य समाज की स्थापना पचहत्तर में हुई बेटा और ब्रह्म स्थापना अठारह सो उन्तीस में का ठीक ना ये दोनों डेटा बहुत बार रिपीट हुए हैं आय समाज की स्थापना काज किसने की थी आय समाज की स्थापना काज करने वाले हैं दयानंद सरस्वती साहब और ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले हैं कौन राजा राम मोहन राय साहब का ठीक ना तो पहले का ए है और दूसरे का बी है पहले का ए है दूसरे का बी है तो राइट आंसर कास्ट क्या आ रहा है सी ऑप्शन है ना देखो पहले का ए है सॉरी पहले का बी है पहले का बी है दूसरे का ए है पहले का बी है दूसरे का ए बी ऑप्शन कास्ट ठीक है ना बाकी दो मैच कर लिया तो दो अपने आप मैच हो ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है दो मैच हो जाते हैं तो दो अपने आप मैच हो जाते हैं कास्ट वीडियो हाँ वीडियो ओके पी के पाल समझ गए मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बिल्कुल अभिजीत कोई दिक्कत नहीं है कैंसिल हो गई फिर से होंगी कहा उस पर हताश होने की जरूरत नहीं है कहा ना कई लोग उसमें आप ईमानदारी से गए थे फिर से अगर वैकेंसी अगर ईमानदारी से फिल की जाएंगी तो आप फिर से चले जाओगे फिर से इन हो जाओगे लेकिन कई लोग वहां पे है ना हरामखोरी से भर्ती किए गए थे बेटा तो ये गड़बड़ था तो अब कहीं अगर मैं नहीं जानता आज कि फेक होगा कि फेयर होगा आज भगवान जाने आगे आगे भी एग्जाम जो होंगे वो फेक फेयर कैसे होंगे लेकिन अगर फेयर होंगे तो और कई लोगों को मौका मिल जाएगा दोस्त हाँ गलत तो हुआ है बाकी कि कुछ लोग कुछ लोग जो मेहनत से गए होंगे काश उनको तो बहुत तकलीफ हुई होगी और वाजिब भी है चलिए तो वेद समाज की स्थापना काश किसने की तो वेद समाज की स्थापना बेटा काश इसमें दो लोगों का नाम आता है केशव चंद्रसेन और के श्रीधरलू नायडू और प्रार्थना समाज की स्थापना में नाम आता है आत्माराम पांडुरंग का ठीक ना आत्माराम पांडुरंग तो ध्यान रखना इनमें से दो डेटा ये दो जो आपके समाज हैं ये दो सोसाइटी जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनका ईयर भी पूछता है और आपको पता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना बुराई कौन सी थी का जो समय मार्केट में बहुत तेजी से फैली हुई थी नाम था उसका एक के साथ एक फ्री है ना सती प्रथा है ना उन किसी के किसी भी के, के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ झोंक दिया जाता तुम भी चलो मतलब एक के साथ एक फ्री कहां का न्याय है यार ये तो सब फालतू तो की ढगोसलेबाजी जो इंसानों ने बनाई थी ये सारी सोशल थी का कहीं ना कहीं कई रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुए जिनके थ्रू ये सारी ना सोशल एलिमिनेट की गई इसमें अंग्रेजों का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा बेटा अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ किया है का सोशल सती प्रथा को एलिमिनेट हटाने में का लॉर्ड विलियम बैंटिक साहब का भी पूरा पूरा रोल रहा है ठीक ना दास प्रथा को आगे चल के लॉर्ड एलब्रो साहब ने खत्म किया ठगी प्रथा दास प्रथा ये सब गास। ये मार्केट में आज भी है ना लेकिन सती प्रथा आज नहीं है गा ठगी प्रथा कहीं ना कहीं चल रही आज थोड़ा आज भी गास। दोस्त है ना अब वो तो यार ब्लड में आ गई चीजें किसी से निकलेंगे नहीं लेकिन कुछ लोग ईमानदार भी हैं जिनकी ईमानदारी की वजह से दुनिया चल भी रही है सारी बातें चलो बढ़ते हैं आगे बेटा आप लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो कहा गायब हो जाते हो यार दोस्त पता नहीं थोड़ा बहुत अगर बात करने लगो आपसे ना कहा तो आप लोग निकल लेते हो हद है यार जबकि मैं वही चीज बोलने की कोशिश करता हूं जिससे आप ही का भला होगा चलिए किसके शासनकाल के, के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई का चलो आंसर ही दो आप लोग फटाफट से दो आंसर दो बेटा किसके शासनकाल के, के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई चार डिसलाइक आ चुके हैं अभी तक और आप में से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको भी डिसलाइक करना है वो लास्ट डिसलाइक कर देंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है है ना सब अपने मर्जी के मालिक हो अपने मन के मालिक हो आप समझिए सोचिए उसके बाद जैसा भी लाइक करना है डिसलाइक करना है आपकी इच्छा है मुझे कोई समस्या नहीं किसके -किस शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई अब आपका लाइक डिसलाइक डिसाइड नहीं करेगा क्या बेटा कि मैं है ना कैसा पढ़ाता हूँ दस लाख दस साल का एक्सपीरियंस है बेटा वो अलग की बात बैठ के पढ़ा रहा हूँ है ना थोड़ा बंद गया हूँ है ना अभी जब ऑनलाइन आएंगे ना कहा जब वो प्रॉपर वो बस स्टूडियो में आएंगे ना तब देखेंगे उनको भी जो डिसलाइक मार रहे थे और उनको भी देखेंगे जो कॉन्सेंट नहीं रह रहे थे सारी बातें चलिए किसके शासनकाल के, के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई फटाफट तेजी से आंसर मैं रिक्वेस्ट हमेशा का रिक्वेस्टिंग मोड में इतना रिक्वेस्टिंग मोड में कभी रहा नहीं मैं जितना रिक्वेस्टिंग मोड में आ गया हूँ दोस्त आप लोगों के लिए आप ही के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ लेकिन आप ही लोग नहीं समझते हो किसके किस शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई बिल्कुल सही जिसका भी आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल गलत है जिनका बी सी आ रहा वो भी गलत है जिनका बी आ रहा वो भी गलत है राइट आंसर क्या है गुप्त गुप्त वंश के शासकों के समय में का अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी अजंता आपको पता होना चाहिए अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र कहां है औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र का जहां पे अजंता की गुफाएं हैं गुप्त वंश के गुप्त गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान ये सारी गुफाएं बनाई गई थी और मैं आपको बता दूं इन गुफाओं में है ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड का सारी चीजें यहां पर आपको मेनली बौद्ध धर्म की छाप आपको इन गुफाओं में दिखाई मिलेगी ठीक है ना और बाकी अगर गुप्त वंश की बात आई है तो गुप्त वंश में दो चीजें बता दूं मैं आपको पहली बात तो इसके संस्थापक इसके संस्थापक का नाम है श्री गुप्ता कौन है श्रीगुप्त दूसरे नाम है बेटा यहां पर रियल फाउंडर वास्तविक संस्थापक वो कौन है चंद्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट पास ठीक है ना तो गुप्त वंश के संस्थापक दास कौन श्रीगुप्त और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन चंद्रगुप्त फर्स्ट और गुप्त वंश के एक शासक है जिनका नाम है स... समुद्र गुप्त जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है गुप्त वंश के एक शासक है इनका नाम है कुमार गुप्त जिन्होंने बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी जिस समय उस समय है ना देश विदेश के लोग वहां पढ़ने आते थे दोस्त और उसका नाम बड़ा फेमस है नाम है उस यूनिवर्सिटी का उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर नालंदा यूनिवर्सिटी नाम यूनिवर्सिटी का नाम क्या नालंदा यूनिवर्सिटी तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासकों ने करवाई थी का किसने कुमार गुप्त ने कहा बात का नेपोलियन किसे कहते हैं समझ को समुद्रगुप्त को लिखने का भी बड़ा शौक था उसने कविताएं लिखी ढेर सारी और सारी कविताएं उसने एक टाइटल के अंडर में लिखी है उस टाइटल का नाम है कविराज कविराज के नाम से समुद्रगुप्त ने अपनी सारी कविताएं लिखी हैं संस्कृत लैंग्वेज में और यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि गुप्त शासक जितने भी आए हैं सबने अपनी कोर्ट में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया है संस्कृत लैंग्वेज का ही प्रयोग किया है इसीलिए गुप्त शासकों की ऑफिशियल लैंग्वेज आप कह सकते हो क्या संस्कृत दास गुप्त शासकों की आधिकारिक भाषा कास क्या है संस्कृत दास सालनी थोड़ा कंफ्यूजन था अरे कंफ्यूजन पूछते तो हो नहीं यार दोस्त मैं बोल रहा हूं अभी इससे पहले है ना इन्होंने कुछ पूछा कंफ्यूजन दिव्या गुप्ता उसके बाद पता नहीं कहां गायब अब आप सालनी से पूछ रहे हो तो बेटा कंफ्यूजन पूछो तो क्या है क्वेश्चन पूछो तो मैं आपका वेट करने लगता हूं प्लास तो कई लोग गायब हो जाते हैं आप अपना कॉमेंट बॉक्स में डाल दो कंफ्यूजन है ना बेटा मैं रिप्लाई करूंगा आप बताइए तो क्या कंफ्यूजन है पूछ के रह जाते हो कंफ्यूजन क्या है उसको पूछते नहीं हो पूछो तो बेटा यार बिल्कुल पूछो हम बैठे इसीलिए यहां पर यार ठीक है ना क्लियर ना जितनी बातें बताई सब ध्यान का अजंता तो की गुफाओं में मेनली किसके चित्रों का वर्णन है काश बौद्ध धर्म जैन धर्म इस तरह के तीन चार नाम मिलेंगे क्या टिकर क्या हो गए बौद्ध धर्म की छाप है यहां पर मेनली बाकी और भी काश सारे धर्मों का यहां पर समावेश है लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में मेनली है नेक्स्ट टीपू सुल्तान कहां का शासक था बच्चों वाला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहां का शासक था तेजी का आंसर बेटा अरे यार सालनी सिंह मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग आप अपना कंफ्यूजन पूछें कंफ्यूजन बस ये कहे तो कंफ्यूजन है और पूछा नहीं आपने नो सर आंसर देने में कंफ्यूजन था सालनी सिंह अच्छा आंसर देने में अभी से पहले चलो कोई दिक्कत नहीं आंसर देने में कंफ्यूजन था चलो हमें लगा थोड़ा कंफ्यूजन आपको किसी चीज में रोहित दिवाकर आरती गौतम आशीष पी के पाल बहुत उमदा तो टीपू सुल्तान ये बच्चों वाला क्वेश्चन है एक हाई स्कूल का बच्चा इलेवेंथ क्लास का बच्चा ट्वेल्थ क्लास का बच्चा भी इसका आंसर दे देगा कि टीपू सुल्तान कहां के साथ ठीक ना कहा के मैसूर के ग ठीक ना कहा मैसूर अभित अबित अबित कुमार बेटा सुन लो बेटा अभित कुमार सुन लो बेटा एक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है ना एक है चंद्रगुप्त मौर्य और बाकी हैं एक है चंद्रगुप्त फर्स्ट और एक है चंद्रगुप्त सेकंड क्लास ठीक है ना कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिनके नाम में नंबरिंग है ना ये नाम सारे आपके गुप्ता राइट में है गुप्त वंश में क्लास ठीक है ना गुप्ता डायनेस्टी में और चंद्रगुप्त मौर्य बोलो या सिंपली चंद्रगुप्त बोलो नंबरिंग नहीं लगानी है चंद्रगुप्त बोलो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य बोलो ये मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है ना चाणक्य की, की हेल्प के साथ का चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना काज की वंश के अंतिम शासक आनंद को मारकर ठीक है ना चाणक्य जिनका रियल नेम क्लास का था विष्णुगुप्त और बाद में चाणक्य को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना मौर्य वंश रिलेटेड और चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड की बात की जाए तो ये गुप्त वंश से संबंधित दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं और चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें ये वो हैं जिनको इतिहास में देवराज जिनको इतिहास में देवश्री के नाम से परम भागवत के नाम से विक्रमादित्य के नाम से विक्रम के नाम से सिंह विक्रम के नाम से देव विक्रम के नाम से इन सारे नामों से भी जाना जाता है जाता है दोस्त रोहित दिवाकर क्या हुआ हाँ कोरोना तो बहुत परेशान कर रखा है दोस्त यार रोहित दिवाकर इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा इसलिए घर पे रहिए सेफ रहिए पढ़ते रहिए जब ना अगर पढ़ना तो हाँ है ही है है ना क्योंकि कोरोना खत्म होगा उसके बाद तुरंत है ना सरकार तो कह रही है एग्जाम कराओ सारे आपने पढ़ रखा हो चाहे ना पढ़ रखा हो चलिए टीपू सुल्तान के पिता का नाम बताइए बताएगा टीपू सुल्तान के पिता का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर <coughs> कोई दिक्कत नहीं दिलीप कुमार देख लेना बाद में टीपू सुल्तान के दोस्त बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे चलिए कोई दिक्कत नहीं इसका राइट आंसर खास क्या है? हैदर अली ठीक है ना चलो बढ़ते हैं आगे बेटा बाकी और भी आगे आगे मैं पढ़ाऊँगा मैसूर शक्ति की बात हम थोड़ा डिटेल में करेंगे टीपू सुल्तान की भी बात करेंगे हैदर अली की भी बात करेंगे आपको बता दूँ मैसूर शक्ति और अंग्रेजों के बीच है ना चार युद्ध हुए थे उन चारों युद्धों के बारे में बात करेंगे फर्स्ट अंग्रेज मतलब आंग्ल और मैसूर शक्ति मतलब मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध बोला जाता है काश फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चार आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ने होते हैं और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही काश कहते हैं टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है कास। उसके बाद मुगल साम्राज्य मैसूर साम्राज्य का पतन हो जाता है काश उसके बाद कोई और इतना लायक नहीं था जो मैसूर शक्ति को आगे ले जा ले जा पाता इसलिए हैदर अली के टीपू सुल्तान के बाद है ना मैसूर शक्ति का कहीं ना कहीं काश क्या हो गया डिक्लानीशन हो गया पतन हो गया काश चलिए बताएंगे आगे का चारों युद्ध क्लास कौन कौन से हैं श्रीरंगापट्टनम की संधि बताएंगे काज ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं काज है ना डिस्कस करेंगे अभी के लिए इतना काफी है नेक्स्ट बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था क्या बात है बताओ तेजी से आंसर तेजी के साथ और लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो यार कॉन्स्टेंट मोड में न जाने क्यों नहीं रहते हो यार मैं दोस्त हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ही के लिए कि आप मेरी क्लास में नहीं जहाँ मर्जी आए वहाँ पढ़िए दुनिया पढ़ा रही है यूट्यूब पर लेकिन दोस्त क्लास ईमानदारी को मेहनत को देखिए समझिए परखिए फिर क्लास को कॉन्स्टेंट मोड में क्लास जुड़िए मेरी क्लास से चाहे जिसकी भी क्लास से आपको समझ में आए उसी क्लास में लेकिन कॉन्स्टेंट मोड में जुड़िए बेटा क्लास रिक्वेस्ट आपसे आप ही के लिए है दौड़ने भागने से कुछ भी हासिल नहीं होगा ठीक है बाकी स्मार्टनेस हमेशा स्मार्टनेस में जो जिनके अंदर स्मार्टनेस ज्यादा है ना वो उड़ते रहेंगे हमेशा स्मार्टनेस में कुछ हो नहीं पाएगा मैं फ्रेंकली बात कर रहा हूँ दोस्त का इसलिए ईमानदार होइए अपने प्रति बी ऑनेस्ट योर सेल्फ राइट आंसर क्या है बाज नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था तो मैं आपको बता दूं जब भी चित्रों के चित्रण की बात करें और मुगल डायनेस्टी की बात करें तो एक ही मुगल शासक हैं हालांकि अकबर के समय में भी था ऐसा लेकिन सारे मुगल शासकों में अगर हम बात करें तो मात्र एक मुगल शासक जो कि चित्रकला का बहुत प्रेमी था बहुत बड़ा प्रेमी था ना जिसकी मर्जी आए उसकी चित्र उसके चित्र बनवाया करते थे काश वो कौन थे जहांगीर साहब कोई सोता हुआ दिख गया उनको पसंद आ गया कि इसकी चित्र इसका पेंट इसकी पेंटिंग बनवानी है तो उन्होंने इतने चित्रकार अपने दरबार में रख रखे थे कि अपने चित्रकारों से बोलते थे कि इसकी पेंटिंग बनाओ चिड़िया उड़ती हुई कोई दिख गई उनको अच्छा लग गया इसकी पेंटिंग बनाओ चित्रकारों ने कहा साहब उड़ जाएगा तो जानते हो उड़ जाएगी चिड़िया तो च, चित्रकारों ने जब बोला साहब चिड़िया उड़ जाएगी तो जानते हो जहांगीर साहब क्या बोलते थे जब तक दिखती है तब तक, तक, तक बनाओ मतलब क्या सोच थी उनकी है ना चित्रकारी को लेकर पेंटिंग को लेकर पागल थे पेंटिंग को लेकर खास इसीलिए कहते हैं मुगल चित्रकला अगर चित्रकारी के पॉइंट ऑफ यू से बात करें पेंटिंग के पॉइंट ऑफ से बात करें है ना तो किसके शासनकाल में पेंटिंग के पॉइंट ऑफ से कहा था ना एकदम पीक चल रहा था घास तो क्या बताओगे आप जहांगीर के शासन काल में जहांगीर चित्रकला का बड़ा शौकीन था है ना ढेर प्रकार की चित्रकारी चित्रकार जो था जहांगीर के मंसूर ठीक है ध्यान रखना इसके अलावा अगर हम बात करें अकबर भी चित्रकारी के शौकीन थे उन्होंने भी अपने कोर्ट में एक दो पेंटिंग पें, चित्रकार रख रह रखे थे लेकिन जहांगीर से ज्यादा चित्रकारी किसी भी मुगल शासन ने नहीं करवाई क्लास रोहित दिवाकर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैंने ऑफलाइन क्लास की है आपकी हाँ रोहित दिवाकर बेटा वो तो है ही है है ना ऑफलाइन की दुनिया अलग थी यार दोस्त बेटा ऑनलाइन की दुनिया अलग है और ऊपर से बिठा दी बैठ के पढ़ा रहा हूँ अभी मैं प्लान कर रहा हूँ का स्टूडियो का जैसे स्टूडियो आ जाएगा दहाड़ के पढ़ाएंगे एकदम जैसे एकदम दहाड़ते थे ऑफलाइन क्लास में है ना बहुत से लोग परिचित भी नहीं होंगे अभी रोहित वर्मा के का तरीकों से चीज़ों से एक्सप्लानीशन से और आज की जन, जनता इतनी बेवकूफ हो चुकी है यूट्यूब ने इतना बेकार गंद फैला दिया है काज कि आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए है ना एक्सप्लानशन पढ़ना तो है ही नहीं कहा सिर्फ फटाफट एक एक मिनट में दस क्वेश्चन हो जाएं तो आप बड़े खुश हो भले बाद में एक क्वेश्चन का आंसर आप ना बता पाओ ठीक है ना लेकिन खुश होते हो आप उसी में इसीलिए कहता हूँ बेटा बी ऑनेस्ट योर सेल्फ चलिए कोई दिक्कत नहीं इसका राइट आंसर काज क्या है जहांगीर क्लास ठीक ना बस आज की इतना काफ़ी है आशीष शर्मा सर हिंदी कब से स्टार्ट है बेटा बताएंगे काज बहुत जल्दी बताएंगे हम ठीक है आज के इतना काफ़ी खुश रहें मस्त रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसना संक्रामक इसे फैलाएं दूसरों के हंसने की वजह बने खासकर अपने घर अपने परिवार अपने आसपास के लोगों के लिए जय हिंद जय भारत टेक केयर बाय बाय कोई डाउट तो पूछ सकते हो किसी को कोई भी डाउट हो बाकी आगे क्वेश्चन क्लास कल करवाएंगे ठीक है कल भी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे इसमें से कुछ अभी जो रह गए वो करवाएंगे कुछ और एक्स्ट्रा और लेकर आएंगे तो दिलीप कुमार हाँ बिल्कुल सर ऑफलाइन में बहुत मद, बहुत डांटते थे फिर भी मज़ा आता था चलिए रोहित दिवाकर आरती गौतम है ना स्वागत है बेटो बेटो दोस्तों आप सबका जितने भी नए लोग आए हैं और मैं आपको बता दूं का अपने दोस्तों से का लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो बता दो रोहित सर यहाँ पढ़ा रहे हैं फिलहाल और विश्वास रखना हमने कभी आपके साथ छल कपट धोखा नहीं किया है जब भी पढ़ाया दम और मेहनत तो और ईमानदारी से पूरी तरीके से तमीज से और वही चीज़ दी है आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी एग्जाम में एज ए इज़ क्वेश्चन आते हैं बहुत आर एन डी करके का चीज़ों को मैं डिलीवर करता हूँ ठीक है वो तो अलग बात है अभी का एम सी के रूप में चल रहा हूँ कभी थ्योरी पढ़ना पढ़ जाएंगे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर थ्योरी पढ़ कर रोहित वर्मा सर से मैं अपनी प्रेज नहीं कर रहा दोस्त मुझे अपने डिलीवर करने पे कॉन्फिडेंस है और मैं दुनिया मैं दस साल से मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब और यूट्यूब तो ये दस साल के बाद इधर पाँच छः साल से बड़ा है ना क्रेज में आया है उससे पहले तो ऑफलाइन का ही सीन था ना सारे ऑनलाइन का सब सबको मैंने बनते हुए देखा है मैंने क्या क्या कैसे कैसे लोग बने हैं कैसे कैसे क्या कुछ नहीं दोस्त कुछ नहीं बस आपको खेला के आप आपसे चलो छोड़ो क्या बताएं बस घर बैठे आपको आप तक हम पहुंच पा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है यूट्यूब की लेकिन दोस्त थोड़ा मेहनत ईमानदारी को आप देखिए एडजस्ट करिए समझिए उसी हिसाब से आप क्लासेस को कंटिन्यू करिएगा जहां पे भी करना है कांस्टेंट मोड में लेकिन तो। टेक कोई डाउट किसी का हो तो पूछ सकते हैं किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा वरना है ना बाय टेक केयर पी के पाल रोहित दिवाकर अभीत है ना रोहित आरती गौतम पी के पाल जितने लोग भी हैं खास किसी का नाम ना ले पाऊँ माफी चाहूंगा बाय टेक केयर Congratulations to all those students here who have cleared IB ACIO Tier 1 exam. Lakhs of students were there for Tier 1, but only approx 20,000 have cleared for Tier 2 exam. Now, these 20,000 will be attempting Descriptive which is Part 2 of this particular paper and I want to you all to prepare thoroughly and so we at Olive Board had come up with a course specifically for IB ACIO Tier 2 Descriptive part. <laughs> Which will include your RC strategy, of course. Second will be your essay writing, tips, format, content, strategy for all the very important essay topics. Thirdly, pressy writing, wherein rules are very important and how to write in your own words is what we will learn. So enroll now for this course. Also, hi guys, as you know that your essay.